स्टूडेंट्स, क्लास 3 IU वर्कबुक सॉल्यूशंस। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल्स एंड प्रेपोजिशंस। आपको पता है आर्टिकल्स क्या होते हैं? आर्टिकल्स इज द यूज ऑफ ए एंड द। नाउ आई विल शो यू अ चार्ट, उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ए एन और द कहाँ यूज करते हैं। सो लुक एट द चार्ट। ठीक है, आगे हैं प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशंस और आर्टिकल्स कोई कोरिलेटेड टॉपिक नहीं है, दोनों बिल्कुल अलग टॉपिक हैं। पता नहीं नंबर ऑफ चैप्टर्स रिड्यूस करने के लिए इन्होंने इतने सारे मिक्स कर दिए, लेकिन आप प्रेपोजिशंस की तैयारी अलग से करना, क्योंकि प्रेपोजिशन इज़ अ वाइड टॉपिक। यूज़ ऑफ इन, ऑन, अंडर, एट, अमंग, बिटवीन, बिलो, अबव, ये सब प्रेपोजिशंस होती हैं। बहुत डिटेल में इसकी स्टडी करनी है। ठीक है, मैं प्रेपोजिशंस का एक शॉर्ट अपलोड कर रही हूँ, वो देख लेना। उसमें काफ़ी अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है कि कहाँ पे कौन सा प्रेपोजिशन फिट होता है। ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट आर्टिकल्स। काशी इज डैश ऑनेस्ट पुलिसमैन। एंड ओ की साउंड आ रही है, इसलिए इसे हॉरेस नहीं ऑनेस्ट पढ़ेंगे। और ओ होता है वोवल, इसीलिए इसके साथ एन आता है। वेयर डिड यू गेट डैश बैग फ्रॉम, पर्टिकुलर बैग की बात हो रही है कि ये मेरा बैग कहाँ से मिला, तो द आएगा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। डैश पुअर सफर्ड अ लॉट ड्यूरिंग द पैंडेमिक। पैंडेमिक जब कोरोना पैंडेमिक आया था तो सबसे ज़्यादा गरीब लोगों ने, द पुअर, अ पुअर किसी एक पुअर ने नहीं, सब पुअर ने। पॉवर्टी इज अ ग्लोबल इशू। पॉवर्टी जो है गरीबी, सब पूरी दुनिया का इशू है। जी है ना, नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं ब्लैंक के बाद। द पेशेंट इज इन एक्सरे रूम, पर्टिकुलर एक रूम का नाम दिया हुआ है, तो द आएगा। फाइव है, माय फादर वांट्स टू बिकम डैश इंजीनियर। ई है, ई से पहले एन आता है, एन इंजीनियर। गिव मी डैश बुक ऑफ योर चॉइस। गिव मी अ बुक, द बुक ऑफ योर चॉइस, एक पर्टिकुलर बुक दो जो आपकी पसंद हो। आई हैव नेवर सीन एन एल्फ। एल्फ होता है बोना, मैंने कभी बोना नहीं देखा, एन एल्फ। इंडिया इज लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। जब ये सुपरलेटिव डिग्री आती है तो आर्टिकल द आता है, द। नाइन्थ, टाइटैनिक एक बहुत बड़े शिप का नाम है। टाइटैनिक सैंक इन इट्स फर्स्ट वॉयेज, जब वो पहली समुद्री यात्रा पर निकला था तभी डूब गया था। सो एक फेमस चीज़ के लिए द आता है। टेंथ है, द स्कूल बस इज लेट बाय एन आवर, द और एन जो कि सेट हो रहा है सी ऑप्शन में। टेंथ है, डैश लाल किला वॉज बिल्ड बाय एम्परर शाहजहां, द लाल किला या रेड फोर्ट बोलते हैं पर्टिकुलर मॉन्यूमेंट के आगे, द आता है। द करेक्ट ऑप्शन इज द बी पार्ट। यस्टरडे आई मेट वन आइड मैन। व की साउंड है, ओ की साउंड नहीं है, तो व से पहले अ आता है, अ वन आइड मैन। डू नॉट गो आउट इन द रेन और यू विल कैच द कोल्ड, तुम्हें ठंड लग जाएगी। द करेक्ट ऑप्शन इज द सी पार्ट। 14 पे चलते हैं। जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर, किसी प्रॉपर नाउन के आगे आर्टिकल नहीं आता, द करेक्ट ऑप्शन इज द डी पार्ट। 15th है, राहुल केम बैक आफ्टर 3.5 months, 3.5, एंड हाफ ही होता है ना, आपने सुना भी होगा ये। तो यहाँ पे आर्टिकल्स कंप्लीट हो गए हैं। अब नेक्स्ट है प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशन होता है यूज़ ऑफ इज, सॉरी, ऑन, ऑफ, अंडर, एट। अ टर्टल लिव्ड डैश अ लॉग इन द स्वैम्प। लॉग होता है एक लकड़ी का टुकड़ा, लकड़ी के टुकड़े के नीचे रहता है, अंदर रहता है, तो अंडर इज द करेक्ट वर्ड। दैट बिल्डिंग इज इन फायर, कॉल फॉर द हेल्प, उस बिल्डिंग में आग लग चुकी है। ऑन फायर इज द करेक्ट वर्ड हेयर, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई हैव डिजाइंड अ ड्रेस फॉर यू, तुम्हारे लिए ड्रेस बनवाई है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। देयर इज अ ब्यूटिफुल हाउस डैश द हिल, हिल के ऊपर है ना, तो अपॉन द हिल। माई फ्रेंड्स वर स्टैंडिंग डैश मी ऑन द बीच, बिसाइड मी, मेरे पीछे खड़े हुए थे। 21 है, वी प्लान टू सी सुमित डैश 2 and 3 इन द आफ्टरनून, बिटवीन 2 and 3, जब दो लोगों के बीच की बात होती है ना तो बिटवीन आ जाता है। रोमा वॉक्ड डैश द स्टेयर्स टू द ग्राउंड फ्लोर, डाउन द स्टेयर्स, नीचे की तरफ। द स्कूल रिमेन क्लोज्ड ऑन संडे, डेज और डेट्स के लिए ऑन आता है। यू वी हिट द बॉल
ओवर द बाउंड्री, बाउंड्री के ऊपर. 25th, आई वॉज लेट फॉर द मूवी बट माई फ्रेंड गॉट देयर बिफोर टाइम, पर मेरा दोस्त पहले पहुंच गया था. डेनिस नॉक्ड एट द डोर, नॉक एट द डोर ही होता है हमेशा, याद कर लीजिए. पीपल प्रिफर ट्रैवलिंग बाय मेट्रो, मेट्रो के द्वारा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन हेयर. राम्स फ्रेंड्स कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम ऑन हिज सक्सेस. 29th है, माई ब्रदर कट द केक विद अ नाइफ, नाइफ के साथ. 30 है, वी हैव बीन लिविंग इन इंदौर सिंस, जब पर्टिकुलर डे और डेट दे रखी होती है तो सिंस आता है, लगभग होता है 2 या 3 साल, तो फॉर आता है. चूज द करेक्ट ऑप्शन. माई विजिटेड अंकल द अंडोमान एंड निकोबार, यहाँ तो द आ जाएगा, द अंडोमान निकोबार आइलैंड्स एंड केरला, नो आर्टिकल, बी इज द करेक्ट ऑप्शन हेयर. आगे चलते हैं. मदर गेव मी मनी, से पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा. आई विल बाय अ बुक, नो आर्टिकल. और वी डू नॉट हैव एनी एग्जाम अनटिल द 8th ऑफ मे, डेट पर्टिकुलर दे रखी है. एवरी वन इज टॉकिंग अबाउट द बोर्ड डे लाइट रॉबरी इन द, सॉरी ब्रॉड अबाउट, टॉकिंग अबाउट किस बारे में बात कर रहे हैं. माई हाउस इज अक्रॉस द रोड, रोड के पार, अक्रॉस माने वहाँ से यहाँ, अक्रॉस द रोड यू कैन कम एनी टाइम, उस तरफ है. ठीक है, सो ये हो गए आर्टिकल्स. नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और बहुत ही अच्छा टॉपिक जो कि है टेंसेस, वो डिस्कस करेंगे. बाय.